अरे बिंदु, सोसाइटी के द्वारा जो शून्य निवेश नवाचार योजना के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये कार्यक्रम की जितनी भी बढ़ाई की जाए बहुत कम होगी, इसलिए कि इसमें कोई खर्च नहीं हो रही है। जो गतिविधि आपके द्वारा दिया जा रहा है, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई हो, कविता के द्वारा हो, कहानी के द्वारा हो, अन्य जो विधि अपनाते हैं वो बहुत ही अच्छी है, बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है, अरविंदो सोसाइटी के लिए। इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि अगर एक गतिविधि आप पूरे स्कूल में चलाइएगा, इससे जो हम लोग का स्टूडेंट का जो ड्रॉप आउट है, जो छीजन होता है, छीजन न्यूनतम पर आ जाएगा, और बच्चों का जो स्तर है, पढ़ाई का स्तर है, वो भी ऊंचा उठेगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चे प्राप्त करेंगे। जो रोल मॉडल स्कूल जो हर एक जिला में खोलने की बात जो चल रही है, 300 जगह आप कह रहे हैं, रोल मॉडल स्कूल से एक तो होगा कि वहां के बच्चे पढ़ेंगे ही, अगल बगल के जो भी बच्चे हैं उससे सीख लेंगे, अगल बगल के शिक्षक को ले जाकर हम लोग वहां दिखवावेंगे, एक क्लस्टर बना के 5-7 स्कूल का चल के देखें कि वहाँ हमारे बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हर एक जिला में 30 ही नहीं, हमको लगता है ऐसा कि लगभग विद्यालय के शिक्षक को हम लोग वहाँ ट्रेनिंग दिलवाएंगे। उसे प्रचार प्रसार होगा, व्यापक प्रचार प्रसार होगा, पूरे जिले में उस मॉडल को लोग अपनाएंगे, जिससे बच्चे का जो होगा स्तर जो होगा ऊंचा उठेगा, बच्चे की समझ अच्छी बनेगी, बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब बच्चे के साथ साथ हमारे शिक्षक भी जो आपका स्कूल हो उसे थोड़ा सीखेंगे, सिखाएंगे, और एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा जिसके तहत पूरा जिला जो होगा इस पर रोल मॉडल के रूप में काम करेगा। तो छात्रवृत्ति जो है अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। हमारे स्कूल में वैसे ही बच्चे आते हैं जिनके पास किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, उनके माता पिता वहां उतना समझ नहीं पाते हैं, वो कहते हैं पढ़ के तुम क्या करोगे, काम करोगे तो 2 गो पैसा कमाओगे। वैसे बच्चों को जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, अगर छात्रवृत्ति हम लोग देते हैं, अगर 50-50 रुपया, उन बच्चों का कॉपी हो जाएगा, कलम हो जाएगा, जिससे बच्चे मन लगा के पढ़ेंगे और वो विद्यालय आने के लिए प्रेरित होंगे। छात्रवृत्ति योजना जो आपका है बहुत ही अच्छी ये स्कीम है, और बच्चों को विद्यालय आने में तथा पढ़ाई में मदद करने में बहुत ही अच्छा से वरदान के रूप में साबित होगा छात्रवृत्ति। और हमारे विद्यालय की स्थिति, हमारे बच्चों की स्थिति, हमारे राज्य की स्थिति और हमारे देश की स्थिति इससे बहुत सुदृढ़ हो गई, और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया नवाचार प्रयोग है। ये अगर लगातार ये चलते रहे तो हमको लगता है इस निरक्षरता जो है वो दीप जो है निरक्षरता का वो जाएगी और साक्षरता का दीप जलेगा, और सब बच्चे पढ़े होंगे, सब बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।